हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गॉड फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर स्टडिंग द सोशल स्टडीज बुक ऑफ क्लास 7th इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 7th क्लास की सोशल स्टडीज बुक। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट लेसन विच इज जो है ट्रेसिंग चेंजेज थ्रू ए 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स मीन्स 1000 सालों का जो इतिहास रहा है हमारा, 1000 ईयर्स की जो हिस्ट्री रही है, उसके अंदर जो भी चेंजेज हुए, जो बदलाव आए इन 1000 सालों में, इन 1000 ईयर्स में, उनको ट्रेस करना, उनके बारे में पता लगाना, उनकी जांच पड़ताल करना, ये इस लेसन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द मेडिवल टाइम ऑफ अवर हिस्ट्री। हमारा जो इतिहास है उसको कई भागों में बांटा गया है और हम लोग उसका जो मेडिवल टाइम है, जो मध्यकाल है, उसके बारे में यहाँ पर इस लेसन में स्टडी कर रहे हैं, विच इज फ्रॉम 700 CE टू 1800 CE। ये 700 से लेकर के 1800 तक का जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस लेसन में। और हम लोग जो खास तौर पर अभी रिसेंटली अभी जो स्टडी कर रहे हैं, वो जो वेरियस सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, यानी इतिहास के जो स्रोत रहे हैं जिनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इन अवर प्रीवियस वीडियो आई हैव गिवन यू द 2 question answers आल्सो। पिछले वीडियो में मैं आपको 2 question answer भी दे चुका हूँ। एंड वी हैव स्टडीड अप टू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हम लोग स्टडी कर रहे थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, यानी पुरातत्व विज्ञानी स्रोतों के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हमें अपने इतिहास का कैसे पता चलता है, वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है। तो हमने पढ़ा है कि 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के 2 टाइप के सोर्स हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी जो पुरानी चीजें हमें मिलती है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाता है, और जो पुरानी किताबें हमें मिलती है, अवेलेबल होती है उस जमाने की, जिस जमाने के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, उस टाइम के अंदर, उस टाइम की समय, उस समय के दौरान लिखी हुई किताबें, लेटर्स, जो भी लिटरेचर है, जो साहित्य है उस जमाने का, वो लिटरेसी सोर्सेज कहलाता है। और दूसरा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, यानी जो पुरानी चीजें हमें मिलती है, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाता है। एंड वी वर स्टडिंग, हम पढ़ रहे थे आर्कियोलॉजिकल सोर्स, हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़ रहे थे। एंड वी हैव स्टडीड इन अवर प्रीवियस वीडियो, हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे यहाँ तक। एंड वी हैव टू स्टार्ट द टूडेज स्टडी फ्रॉम मोनामेंट्स। आज की जो स्टडी है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोनामेंट्स से, यानी कि स्मारकों से। वी आर स्टडिंग, हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारे उन चीजों के बारे में जिनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो पूरा, जिसका मतलब है पुरातत्व। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व, तो पुरातत्व यानी पुरानी चीजों के द्वारा जो हमें पता चलता है वो आर्कियोलॉजिकल कहलाता है। तो पुरानी चीजों, पुरानी चीजें भी हिस्ट्री को जानने का, इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत है, और ये वो स्रोत है जिससे हमें आम आदमी के बारे में, उस जमाने के जो साधारण लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, उनके बारे में पुरानी चीजों से पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब वो कौन कौन सी पुरानी चीजें हैं, वो कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिनसे हमें हिस्ट्री का पता चलता है, तो हमारा पहला जो सोर्स है आर्कियोलॉजिकल, वो है मोनामेंट्स, यानी स्मारक। स्मारक जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, किसी की स्मृति में इनको बनाया जाता है।
तो ये स्मारक होते हैं, हिंदी में इनको स्मारक कहते हैं, इंग्लिश में इनको मोनामेंट्स कहते हैं। आइए शुरू करते हैं इसके बारे में स्टडी कि मोनामेंट्स क्या होते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोनामेंट्स जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। अभी हम आगे और भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो चीजें हैं जो पुरानी चीजें हैं और जिनसे हमें अपनी हिस्ट्री का पता चलता है। तो मोनामेंट्स क्या होते हैं, लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं मोनामेंट्स के बारे में स्टडी करना। ओल्ड टेम्पल्स यानी पुराने मंदिर, पैलेसेज यानी कि महल, फोर्ट्स यानी किले, क्लॉक टावर, आपने देखे होंगे कई ऐसे टावर लगे हुए, टावर बने हुए रहते हैं जिन पर घड़ी लगी रहती है, पुराने जमाने के हैं वो कई, तो उनको क्लॉक टावर कहते हैं। मॉस्क्स, मॉस्क यानी मस्जिदें, एंड टॉम्ब स्टोन्स और कब्र के पत्थर, टॉम्ब यानी कब्र होती है, कब्र के स्टोन्स यानी पत्थर। अब ये टॉम्ब स्टोन्स क्या है इसको एक्सप्लेन किया गया है ब्रैकेट में, लार्ज यानी बड़े, फ्लैट यानी चपटे, इंस्क्राइब्ड स्टोन यानी खुदे हुए पत्थर, इंस्क्राइब्ड यानी जिन पे कोई लैंग्वेज कोई बात खुदी हुई होती है उनको इंस्क्राइब्ड कहते हैं। तो ये बड़े और चपटे पत्थर होते हैं जिन जो इंस्क्राइब्ड होते हैं यानी खुदे हुए होते हैं, उन पे कुछ लिखा हुआ होता है। स्टैंडिंग यानी खड़े होते हैं ये, और लेड या लेटे हुए होते हैं, ओवर ग्रेव्स, ग्रेव यानी होती है कब्र, कब्रों के ऊपर इनको या तो लेटा कर रखा जाता है इन बड़े पत्थरों को, या ये पत्थर कहीं कहीं खड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में भी मिलते हैं और इन पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, इंस्क्राइब्ड होते हैं ये, इंस्क्राइब्ड यानी इन पर कुछ खुदा रहता है। तो इस तरह के जो जिनको टॉम्ब स्टोन कहा गया है, यहां पर टॉम्ब स्टोन्स, ये जो भी नाम हमने पढ़े हैं ये सब मोनामेंट्स के अंतर्गत आते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, पुराने मंदिर ओल्ड टेम्पल्स, पैलेसेज यानी महल, फोर्ट्स यानी किले, क्लॉक टावर्स, मॉस्क्स यानी मस्जिदें, एंड टॉम्ब स्टोन्स और कब्रों के जो पत्थर हैं, आर इंक्लूडेड, ये शामिल हैं इन मोनामेंट्स स्मारकों में। मोनामेंट्स टेल अस, मोनामेंट्स जो होते हैं, मोनामेंट्स यानी जो स्मारक जो होते हैं, टेल यानी बताते हैं, अस मीन्स हमें, हमें बताते हैं अबाउट द आर्किटेक्चरल, अबाउट द आर्किटेक्चरल स्टाइल। अब आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला, आर्किटेक्चरल का मतलब वास्तुकला संबंधी। तो ये जो मोनामेंट्स होते हैं ये हमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल, आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में बताते हैं। कोई भी भवन बनने की जो स्टाइल होती है, कई स्टाइल्स से भवन बनाए जाते हैं, स्टाइल यानी शैली भी हिंदी में कह सकते हैं। तो भवन निर्माण की शैली के बारे में ये हमें बताते हैं। ऑफ दोज, उन लोग, उनके बारे में, दोज हु बिल्ट दीज स्ट्रक्चर्स, जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को, इस बिल्डिंग को बनाया, उन लोगों की आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या थी, वो भवन बनाने की उनकी कला क्या थी, इसके बारे में ये जो मोनामेंट्स हैं ये हमें बताते हैं। अब कुछ नाम हैं कुछ प्रसिद्ध मोनामेंट्स के, जो हमारे इंडिया के जो फेमस मोनामेंट्स हैं या प्रोमिनेंट यानी प्रचलित या प्रसिद्ध मोनामेंट है, ताजमहल, रेड फोर्ट यानी लाल किला, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट यानी आगरा का किला, हुमायूंज टॉम्ब यानी हुमायूं का मकबरा, मकबरा मतलब कब्र, हुमायूं का मकबरा, हुमायूंज टॉम्ब, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, मामलेश्वर टेम्पल, मामलेश्वर का मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खुजराहो ग्रुप ऑफ मोनामेंट्स, खुजराहो के मोनामेंट्स का ग्रुप यानी समूह, खुजराहो के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं, सांची स्तूप, सांची का स्तूप प्रसिद्ध है, एंड चार मीनार हैदराबाद में, आर सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, ये कुछ प्रसिद्ध हिस्टोरिकल मोनामेंट्स हैं। ये जो नाम हमने पढ़े हैं अभी, ये कुछ
प्रसिद्ध प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध हिस्टोरिकल मोनुमेंट्स यानी ऐतिहासिक स्मारक हैं। ये जो भी नेम्स अभी हमने रीड किए हैं, दीज ऑल आर प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध हिस्टोरिकल मोनुमेंट्स, ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक हैं। दीज बिल्डिंग्स, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इमारतें हैं या भवन हैं, टेल अस, हमें बताते हैं ए लॉट, बहुत कुछ, अबाउट अबाउट द आर्ट, अबाउट द आर्ट यानी कला के बारे में, आर्ट के बारे में, आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला के बारे में यानी भवन निर्माण कला के बारे में, सोशल यानी सामाजिक एंड इकोनॉमिक लाइफ और आर्थिक जीवन, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, सामाजिक और आर्थिक जीवन ऑफ द पीरियड, उस समय का, उस समय का जिस समय में ये बिल्डिंग्स बनी थी, ये मोनुमेंट्स बने थे, उस समय में सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की, सामाजिक जीवन कैसा था, फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था, उस पीरियड के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ये मोनुमेंट्स हमें बताते हैं। इन विच दे आर कंस्ट्रक्टेड, जिस समय में ये कंस्ट्रक्टेड हुए, बने, निर्माण हुआ, जिस टाइम में, जिस पीरियड में इनको कंस्ट्रक्ट किया गया, इनको बनाया गया, ये कंस्ट्रक्टेड हुए, उस समय में लोगों की सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था, उस जमाने में आर्ट कैसी थी, कला कैसी थी, आर्किटेक्चर यानी भवन निर्माण की कला कैसी थी, ये सारी जानकारियां हमें पुराने स्मारकों से या मोनुमेंट्स से मिलती है। ये मोनुमेंट्स हमें इस प्रकार की जानकारियां देते हैं। मटेरियल यूज्ड, जो मटेरियल, जो सामग्री इनमें यूज की गई, उपयोग की गई, इन देयर कंस्ट्रक्शन, उनके कंस्ट्रक्शन में या उनके निर्माण में, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन यानी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का सिस्टम। एक आपने देखा होगा कई बार कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मंदिर बने रहते हैं, कैसे इतना सामान ऊपर पहाड़ी पर गया होगा, ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। तो यहां पर हम पढ़ रहे थे मटेरियल यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन, जो मटेरियल या जो सामग्री उनके कंस्ट्रक्शन में, उनके निर्माण में यूज की गई, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी सामान ले जाने का सिस्टम, फॉर कैरिंग ऑल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, जितना भी सभी प्रकार का रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान, सभी प्रकार की कच्ची सामग्री को कैरिंग यानी ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उस जमाने में, एंड स्टोन्स, मटेरियल एंड स्टोन, सामग्री और पत्थरों को ले जाने का जो सिस्टम है, ऑल टेल्स अस, ये सभी चीजें हमें बताती है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, संगठनात्मक क्षमता के बारे में, ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीपल, उस जमाने के लोगों की। कंटेम्प्रेरी शब्द कई बार आ चुका है, समकालीन, जब एक ही टाइम में कई चीजें चलती है तो उसको, उन सबको आपस में समकालीन कहा जाता है, कंटेम्प्रेरी। तो उस जमाने में, उस समय में लोगों की ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी कैसी थी यानी संगठनात्मक क्षमता कैसी थी उनकी, वो मिलजुल कर काम करते थे कि नहीं करते थे, या कैसे वो मिलजुल कर काम करते थे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब बड़ी बड़ी इमारतें बनती है तो सब कई लोगों को मिलकर उसमें काम करना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक संस्था के रूप में काम करना पड़ता है। तो ये जो उन भवनों को, उन मोनुमेंट्स को बनाने में जो मटेरियल यूज किया जाता था, जो सामग्री यूज की जाती थी, या जो पत्थर यूज किए जाते थे, स्टोन्स, वो कैसे ऊपर या कैसे वहां पर ले जाए जाते थे, उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता था, या उनको कैसे बनाया गया उन भवनों को, ये सब चीजें हमें इस बात को बताते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी उस जमाने के लोगों की कैसी थी। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि जो मोनुमेंट्स हैं हमारे देश में, जो मोनुमेंट्स यानी स्मारक हैं हमारे देश में, वो कौन कौन से हैं, कुछ मोनुमेंट्स के नेम भी हमने रीड किए,
और वो मोनामेंट्स हमें क्या बताते हैं। तो हमने यहां पढ़ा कि मोनामेंट्स उस जमाने की आर्ट के बारे में, उस जमाने की जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी लोगों की, क्योंकि जैसी लाइफ, जैसा जीवन उस जमाने में लोगों का था, उसी के हिसाब से तो मकान बनेंगे, उसी के हिसाब से तो इमारतें बनेगी। तो इमारतों से, बिल्डिंग्स से ये भी पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसा जीवन जीते थे, सामाजिक तौर पर यानी सोशल कैसे जीते थे, इकोनॉमिकल यानी रुपए पैसों का कितना उनके पास समृद्धि थी, वो कितने रिच थे, कितने धनवान थे उस जमाने के लोग। तो ये सारी चीजें हमें मोनामेंट से पता चलती है, स्मारकों से पता चलती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, हम लोग पढ़ रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो हमें पुरानी चीजों से, जिन पुरानी चीजों से हमें हिस्ट्री का पता चलता है, इतिहास का पता चलता है, वो सब चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाती है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने सबसे पहले अभी पढ़ा मोनामेंट्स के बारे में, यानी पुरानी इमारतों के बारे में, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है इनको मोनामेंट्स कहते हैं। तो मोनामेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, और अब हम लोग अगला जो पॉइंट है हमारा, जिसमें हम और भी आर्कियोलॉजिकल जो कौन सी चीजें हैं, पुरानी कौन सी चीजें होती हैं जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है। तो अगली जो चीज है, जो मोना इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत, पुरानी चीजों के अंतर्गत जो अगली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की कला, एंड पेंटिंग्स यानी चित्रकारी। मूर्ति कला और चित्रकारी, पुराने जमाने की मूर्तियां आज भी कई बार खुदाई में मिलती है, कई बार जमीन के अंदर से निकलती है, या कई पुराने मंदिर हैं उनमें भी मूर्तियां हैं। इसी तरह पुराने जमाने की जो पेंटिंग्स, जो चित्रकारी है, वो भी कई जगह पर हमें देखने को मिलती है, और उन चीजों से भी हमें इतिहास का पता चलता है, हिस्ट्री का पता चलता है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि कोई भी चित्र कैस कब बनेगा, जब कोई चीज हमारे समाज में होती है तो उसी से रिलेटेड चित्र बनाए जाते हैं चित्रकारों के द्वारा, उसी से रिलेटेड मूर्तियां बनाई जाती है। तो हमें उस जमाने में लोग कैसे रहे होंगे, उनका दृष्टिकोण कैसा था, उनकी थिंकिंग कैसी थी, विचार कैसे थे उस जमाने में लोगों के, उसका पता पुरानी स्कल्पचर यानी मूर्तियों से और पेंटिंग से पता चलता है। आइए स्टडी करते हैं इसके बारे में। ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, सुंदर मूर्तियां एंड पेंटिंग्स और चित्रकारियां अडोर्न यानी सजाती है। ये जो सुंदर मूर्तियां हैं और जो चित्रकारी है वो सजाती है। मोस्ट ऑफ दीज मोनामेंट्स, ये जो मोनामेंट्स हमने पढ़े अभी अभी ऊपर, जो पुराने जो स्मारक होते हैं, पुराने जो भवन होते हैं, उनको सजाती कौन है? उनको सजाने के लिए या तो मूर्तियां होती है और या फिर पेंटिंग्स होती है। तो ये चीजें जो मोनामेंट्स है उनको सजाती है, मोनामेंट्स को सजाने का काम ये या तो स्कल्पचर होते करते हैं या फिर पेंटिंग्स करती है। तो हम लोग यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स यानी सुंदर मूर्तियां एंड पेंटिंग्स यानी चित्रकारियां अडोर्न यानी सजाती है मोस्ट ऑफ दीज मोनामेंट्स, ज्यादातर इन मोनामेंट्स को। मोनामेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी अभी, पुरानी बिल्डिंग्स जो स्मारक होते हैं वो मोनामेंट्स कहलाते हैं। तो मोनामेंट्स को सजाता कौन है, अडोर्न कौन करता है? तो ये ब्यूटीफुल स्कल्पचर यानी सुंदर मूर्तियां और पेंटिंग्स जो होती है वो इनको अडोर्न करती है। ब्रॉन्ज यानी कांसा, देखिए कांसा एक धातु है, मेटल है। पुराने जमाने में कांसे की कई मूर्तियां मिलती है, कांसे कहते हैं इंग्लिश में इसको, ब्रॉन्ज कहते हैं। तो कौन कौन सी चीजों से मूर्तियां बनाई जाती थी पुराने जमाने में? ब्रॉन्ज यानी कांसा, वुड यानी लकड़ी, एंड स्टोन्स और पत्थर वर मोस्टली यूज्ड, ज्यादातर यूज किए जाते थे फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स, मूर्तियां बनाने में।
स्कल्पचर्स मेक करने में यानी बनाने में ज्यादातर इन चीजों का यूज किया जाता था। ब्रॉन्ज यानी कांसा, वुड मीन्स लकड़ी और स्टोन यानी पत्थर, इनको ज्यादातर स्कल्पचर बनाने के लिए यूज किया जाता था। दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है माउंट आबू में, वहां पर सुंदर मूर्तिकारी है, वहां पर इतनी सुंदर मूर्ति कला का प्रदर्शन किया गया है प्राचीन समय में कि वो देखते ही बनती है और वो बहुत ही उत्कृष्ट है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स एट माउंट आबू, माउंट आबू अपने राजस्थान में ही है, वहां पर जैन मंदिर बने हुए हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहते हैं उनको वो, एंड और बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर का मंदिर एट तंजावुर, तंजावुर अपने राजस्थान में नहीं है, तंजावुर एक जगह का नाम है, तंजावुर का जो बृहदेश्वर का मंदिर है और राजस्थान में माउंट आबू में जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, इन दोनों जगह की बात हो रही है। कंटेन यानी ये दोनों ही जगह रखती है ए गुड वैरायटी, एक अच्छी वैरायटी, वैरायटी यानी विभिन्नता यानी तरह तरह की ऑफ स्कल्पचर्स, मूर्तियों की, मूर्तियों की एक अच्छी वैरायटी यहां पर है, वैरायटी यानी तरह तरह की मूर्तियां यहां पर है। विच इंक्लूड जिसमें शामिल हैं, कैसी कैसी मूर्तियां हैं वहां पर जिसमें शामिल हैं, इंक्लूड हैं उनमें फिगर्स ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, फिगर्स यानी आकृतियां ऑफ वेरियस गॉड्स, अलग अलग देवताओं, एंड गॉडेसेज यानी देवियों के, गॉड और गॉडेसेज यानी देवी और देवताओं की जो वेरियस फिगर्स यानी कई प्रकार की आकृतियां वहां पर मिलती है। किंग्स एंड क्वींस, राजा और राजाओं और रानियों की आकृतियां, उनकी मूर्तियां वहां मिलती है एटसेट्रा आदि। पैलेसेज सीन्स, महलों के चित्र, महलों के दृश्य। अब देखिए, अब ये तो बात हो गई स्कल्पचर्स की यानी मूर्ति कला की, और अब हम बात करेंगे पेंटिंग्स की, जो चित्रकारी होती थी। तो पैलेस सीन्स यानी महलों के चित्र, माइथोलॉजिकल टेल्स यानी पौराणिक कथाएं, हमारे धर्म ग्रंथों की कथाएं, माइथोलॉजिकल टेल्स यानी पौराणिक कथाएं, धार्मिक कथाएं, एंड फॉरेस्ट लाइफ और जंगल का जीवन आर सम ऑफ दोज थीम्स, ये कुछ उसके आधार के विषय होते थे। थीम का मतलब होता है जिस विषय पर कोई चीजें चलती है आगे, जिस विषय पर हम कोई भी चीज बनाते हैं उस विषय को थीम कहते हैं। तो इन मूर्तियों के या इन चित्रकारियों के विषय क्या क्या होते थे, उनकी थीम क्या क्या होती थी, जो हमने पढ़ा है, या तो महलों के चित्र होते थे, पैलेस सीन्स, माइथोलॉजिकल टेल्स यानी धार्मिक कहानियां होती थी, या फॉरेस्ट लाइफ यानी जंगली जीवन जो होता था, ये कुछ थीम्स उस जमाने में होती थी मूर्तियों की और चित्रकारियों की, थीम्स यानी ये विषय होते थे उन मूर्तियों या चित्रकारियों के। विच आर डेपिक्टेड यानी जो कि प्रदर्शित होता था बाई मेडिवल पेंटिंग्स, मध्यकाल की पेंटिंग्स से। हम लोग ये सारा जो भी पढ़ रहे हैं वो मध्यकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, मेडिवल टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो लगभग 700 CE से लेकर के 1800 CE तक, CE का मतलब कॉमन इरा, जिसको हम सन भी कहते हैं, सन 700 से लेकर सन 1800 तक 1100 वर्षों का जो इतिहास है वो मेडिवल टाइम है। तो मेडिवल टाइम की जो पेंटिंग्स मिलती है, मध्यकाल के समय की जो पेंटिंग्स मिलती है, उसमें ये जो टॉपिक अभी अपन ने पढ़े हैं, महलों के चित्र हैं, जंगली जीवन के चित्र हैं, या देवी देवताओं के चित्र हैं, ये सारे टॉपिक्स होते थे उनके, इन टॉपिक्स पर, इस थीम पर वो चित्र बनाए जाते थे। दीज पेंटिंग्स, ये चित्रकारियां एंड स्कल्पचर्स और मूर्तिकला थ्रो लाइट यानी प्रकाश फेंकते हैं या प्रकाश डालते हैं ऑन द एवरीडे कस्टम्स, हर दिन की परंपरा एंड हैबिट्स
और आदतों पर। यानी ये जो मूर्तियां मिलती है उस जमाने की, ये जो पेंटिंग्स मिलती है, ये किस पर प्रकाश डालती है, ये किन के बारे में बताती है? तो ये जो रोजमर्रा की एवरीडे कस्टम्स यानी रोजाना की जो परंपराएं थी उस जमाने की, और जो उस जमाने में आदतें थी, लोगों की हैबिट्स थी, उनके बारे में हमें बताती है। फूड यानी लोग क्या खाना खाते थे, ड्रेसिंग स्टाइल, लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल क्या होता था, कपड़े किस तरह से पहनते थे, ऑर्नामेंट्स यानी गहने उस जमाने में कैसे होते थे उनके बारे में पता चलता है, एंड हेयर स्टाइल, बाल बनाने की स्टाइल क्या थी ऑफ पीपल, लोगों की ऑफ दैट पीरियड, उस जमाने में। तो ये उस जमाने में जिस जमाने की मूर्तियां हैं, जिस जमाने के चित्र हैं, उस जमाने में लोग क्या खाते थे, कैसे बाल बनाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, और कैसे उनके तौर तरीके थे, कैसी उनकी आदतें थी, उन सब को प्रदर्शित करती है ये मूर्तियां और ये चित्र। इन सब बातों का हमें पता चलता है इनसे। वेरियस मिनिएचर स्टाइल, मिनिएचर यानी लघु या छोटा, स्टाइल यानी शैली, लघु शैली यानी कई प्रकार की छोटी छोटी शैलियां, स्टाइल उस जमाने में प्रचलित थे चित्र बनाने के या मूर्तियां बनाने के, उनको मिनिएचर स्टाइल कहते हैं। वेरियस मिनिएचर स्टाइल, कई प्रकार की लघु शैलियां, छोटी छोटी स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग की वर इंट्रोड्यूस्ड, वो प्रचलन में थी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, उस पीरियड के दौरान, उस समय के दौरान कई प्रकार की छोटी छोटी जो स्टाइल है पेंटिंग्स की, चित्र बनाने की शैलियां जो है, स्टाइल जो है, वो प्रचलन में थी। द कलर्स यूज्ड इन द पेंटिंग्स, इन पेंटिंग्स में जो कलर यूज किए जाते थे वर एक्सट्रैक्टेड यानी निकाले जाते थे, वो निष्कर्षित किए जाते थे या बनाए जाते थे फ्रॉम सर्टेन मटेरियल्स, कई सर्टेन मिनरल्स, कई खनिजों से। अब जो कलर यूज किए जाते थे उस जमाने में चित्रों में, वो या तो कई मिनरल्स यानी कई खनिजों से, जमीन के नीचे से जो चीजें निकलती है वो मिनरल्स कहलाती है, खनिज कहलाते हैं, तो कई मिनरल्स से, कई खनिजों से वो कलर बनाए जाते थे उस जमाने में, या प्लांट सोर्सेज, पौधों के स्रोतों से भी कई कलर बनाए जाते थे। कॉन्च सेल्स यानी शंख, आपने शंख देखा होगा जो बजाने का होता है, उसको कॉन्च शेल यानी शंखों से भी कलर बनाए जाते थे। एंड वर इवन डेराइव्ड बाय प्रोसेसिंग प्रेशियस स्टोन, एंड वर इवन ईवर यानी यहां तक कि डेराइव्ड यानी प्राप्त किए जाते थे बाय प्रोसेसिंग विधियों से, या कुछ उनको प्रोसेस करके किनको, प्रेशियस स्टोन्स यानी बहुमूल्य पत्थरों को प्रोसेस करके, बहुमूल्य पत्थरों की कुछ विधि से उनका उपचार करके, उनको पीस करके भी कलर बनाए जाते थे। तो किस तरह से कलर्स बनाए जाते थे उस जमाने में, ये हमने पढ़ा। और भी गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड, सोना और चांदी भी यूज की जाती थी कलर बनाने के लिए। अभी बात कलर बनाने की चल रही है, तो कलर बनाने के लिए कैसे कैसे तरीके यूज किए जाते थे यहां पर हमने पढ़े। द प्रिपरेशन ऑफ डिजायर्ड कलर्स, डिजायर्ड यानी जिसकी हम इच्छा रखते हैं या चाहे गए कलर की तैयारी, प्रिपरेशन यानी तैयारी, वर वॉज ए लेंथी प्रोसेस, ये एक बड़ी लंबी प्रोसेस होती थी। यानी जो कलर चाहिए होते थे उस जमाने में, उनको प्राप्त करना एक बड़ी लंबी प्रोसेस होती थी। समटाइम्स कई बार टेकिंग 2 वीक्स, कई बार दो दो वीक्स यानी सप्ताह लग जाते थे कलर बनाने में। ब्रशेज यूज्ड वर वेरी फाइन, जो ब्रश यूज किए जाते थे उस जमाने में वो बहुत ही शानदार होते थे, बहुत अच्छी किस्म के होते थे, फाइन होते थे। द चोला पीरियड, चोल जो साम्राज्य हुआ है, कई साम्राज्य हुए अपने देश में, उसमें से एक साम्राज्य का नाम है चोल। द चोला पीरियड, चोल साम्राज्य के समय, इज रिमार्केबल, चोला पीरियड इज रिमार्केबल, चोल साम्राज्य का जो समय था, पीरियड था, वो उल्लेखनीय है यानी
वो खास महत्व रखता है फॉर इट्स स्कल्पचर एंड ब्रॉन्जेज, इसकी मूर्तियों और कांस्य कला के लिए, यानी कांस्य की कला के लिए और इसके स्कल्पचर यानी मूर्तियों के लिए। चोल जो साम्राज्य रहा, चोल समय जो रहा, चोल पीरियड जो रहा, वो खास महत्व रखता है, उस वो उल्लेखनीय है। अमंग द एग्जिस्टिंग स्पेसिमेंस, अमंग यानी होता है बीच में, एग्जिस्टिंग यानी वर्तमान, स्पेसिमेन यानी नमूने, वर्तमान उपस्थित, वर्तमान एग्जिस्टिंग यानी उपस्थित नमूनों में से उनके बीच में, इन द वेरियस म्यूजियम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो अलग अलग म्यूजियम हैं, म्यूजियम वो जगह होती है जहां पर पुरानी चीजों को रखा जाता है, तो दुनिया के जो प्रसिद्ध म्यूजियम हैं, जो संग्रहालय हैं, उनके अंदर जितने भी स्पेसिमेन, एग्जिस्टिंग स्पेसिमेन यानी वर्तमान में उपस्थित जो नमूने हैं उन म्यूजियम्स में, उनके बीच में इन द वर्ल्ड एंड द टेम्पल, और मंदिरों में भी जो स्पेसिमेन रखे हुए हैं, जो नमूने मंदिरों में भी है कई मूर्तियों के और चित्रकारियों के, भाई ये जो पुरानी मूर्तियां और चित्रकारियां हैं ये दो ही जगह पर मिलती है, एक तो कई मंदिरों में ये मिलती है टेम्पल्स में, या फिर जो म्यूजियम है उनमें ये मिलती है, तो दोनों ही जगहों पर। ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में जो मंदिर हैं या म्यूजियम हैं उनमें जो स्पेसिमेन यानी नमूने मिलते हैं उनके बीच, मे बी सीन, देखी जा सकती है मैनी फाइन फिगर्स, बहुत सुंदर आकृतियां ऑफ शिवा की यानी भगवान शिव की कई सुंदर आकृतियां दक्षिण भारत के साउथ इंडिया के मंदिरों में और म्यूजियम में देखी जा सकती है, इन वेरियस फॉर्म्स, कई रूपों में, अकम्पनीड बाई हिज कंसर्ट, कंसर्ट का मतलब होता है पत्नी, अकम्पनीड यानी साथ में, यानी उनकी पत्नी के साथ में भगवान शिव की कई फॉर्म्स में, कई रूपों में बहुत ही प्रकार की कलाकृतियां देखी जा सकती है, म्यूजियम्स में है और दक्षिणी भारत के साउथ इंडिया के जो टेम्पल है उनमें देखी जा सकती है। उनकी जो कंसर्ट है, कंसर्ट यानी पत्नी है पार्वती, उनकी पत्नी पार्वती और के साथ में, एंड द अदर गॉड्स और दूसरे देवताओं के साथ में, डेमीगॉड्स यानी यक्ष देवताओं में एक और होता है यक्ष, डेमीगॉड्स यानी यक्ष के साथ में, एंड गॉडेसेज ऑफ सेविनेट पैथियोन्स यानी शैव देवताओं का समूह, ये जो शब्द है पूरा दो, ये जो फ्रेजर है शब्द समूह है, सेविएट पैथोन का मतलब है शैव देवताओं का समूह, यानी भगवान शिव से संबंधित जो देवता है उनका समूह, तो उनकी देवियों के साथ में या भगवान शिव से जुड़े हुए देवी देवताओं के साथ में, उनकी पत्नी की पार्वती के साथ में या यक्ष के साथ में, कई प्रकार की मुद्राओं में भगवान शिव की जो प्रतिमाएं हैं और चित्र है वो देखी जा सकती है। विष्णु एंड हिज कंसर्ट लक्ष्मी, भगवान विष्णु और उनकी जो कंसर्ट यानी पत्नी है लक्ष्मी, उनकी भी देखी जा सकती है मूर्तियां। द नायन मार्स, नायन मार्स दक्षिणी भारत के संत हुए हैं। अदर शिव सेंट्स और दूसरे जो शिव, भगवान शिव के जो संत हुए हैं, भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने वाले, एंड मैनी मोर, और भी कईयों के बारे में स्कल्पचर यानी मूर्तियां और पेंटिंग्स देखी जा सकती है। तो इतनी सारी पेंटिंग्स और मूर्तियां हमें मिलती है, आज भी वो एग्जिस्टिंग है यानी उपस्थित है, लेकिन कहाँ पर है वो, म्यूजियम में हम देख सकते हैं उनको, या कुछ ऐसे मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं दक्षिणी भारत के, साउथ इंडिया के, उनमें वो आज भी उपस्थित है, और ये मूर्तियां और ये जो पेंटिंग्स हैं ये उस जमाने के, जिस जमाने में ये बनाई गई थी उस जमाने की बहुत सारी बातों के बारे में हमें बताती है, बहुत सारी बातों का इनसे पता चलता है। इसलिए ये जो स्कल्पचर और पेंटिंग्स है ये भी बहुत बड़ा सोर्स है हिस्ट्री का, और ये हिस्ट्री के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, पुरातत्व विज्ञानी जो सोर्सेज है उनके अंतर्गत ये आता है, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं। पहला
आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमने पढ़ा मोनामेंट के बारे में, स्मारकों के बारे में, और सेकंड जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स था वो था स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, देयर हियर आर सम क्वेश्चन आंसर्स इन दिस बॉक्स। यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं एक्स्ट्रा बिट, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में ये करना है। अपार्ट फ्रॉम द मोनामेंट्स, मोनामेंट्स से अलग, अपार्ट यानी होता है अलग, अपार्ट फ्रॉम द मोनामेंट्स, उन मोनामेंट्स उन स्मारकों से अलग मेंशनड हियर, जिनका यहां उल्लेख किया गया है, जिनको यहां मेंशन किया गया है इस लेसन में, उनसे अलग नेम एनी टू, किन्हीं दो के नाम लिखिए फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग, निम्न जो पॉइंट दिए गए हैं उनके लिए दो दो नाम लिखने हैं, लेकिन वो नाम ऐसे होने चाहिए जो यहां इस बुक में नहीं दिए गए हैं। तो पहला है फोर्ट्स यानी किले, कौन से दो किले हैं प्रसिद्ध, तो आपको इसमें डैश लगा करके आगे लिखना है चित्तौड़ एंड आमेर। चित्तौड़ की स्पेलिंग आपको आराम से शो हो रही है स्क्रीन पर, तो चित्तौड़ कोमा आमेर, ये दो किले हैं, फोर्ट है चित्तौड़ का किला और आमेर का किला। सेकंड है टेंपल्स यानी मंदिर, तो एक आप लिखिए ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, नंबर वन लगा के लिखिएगा आप, इसके आगे डैश लगाएं फिर नंबर वन लगाकर लिखें ब्रह्मा मंदिर कोमा पुष्कर, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, फिर नंबर टू लगा करके लिखे दूसरा जो मंदिर है ये प्रसिद्ध मंदिर पद्मनाभ टेम्पल केरला, पद्मनाभ टेम्पल केरला ये भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पुराना मंदिर है ये पद्मनाभ मंदिर केरला। दो मंदिरों के नाम हो गए टेम्पल्स के। थर्ड है पैलेसेज यानी महलों के नाम पूछे गए हैं दो, तो यहां पर डैश लगा करके नंबर वन जयपुर, नंबर टू जोधपुर। जयपुर और जोधपुर का जो राजमहल है वो बड़ा फेमस है, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। नंबर फोर है मॉस्क्स यानी मस्जिदों के नाम पूछे गए हैं दो प्रसिद्ध, तो मस्जिद के नाम में आपको बताना चाहूंगा, नंबर वन जामा मॉस्क देहली, दिल्ली की जामा मस्जिद बड़ी प्रसिद्ध है, जामा मॉस्क कोमा देहली, जामा मस्जिद दिल्ली DEHLI दिल्ली। नंबर टू मक्का मस्जिद या मक्का मॉस्क हैदराबाद, मक्का में ध्यान रखिएगा MA है ये यहाँ पर, तो इसको A के रूप में आप देखें मक्का मॉस्क हैदराबाद, तो ये दो प्रसिद्ध मॉस्क हैं यानी मस्जिदें हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज टू क्वेश्चन आंसर्स, ये टू नॉट टू, दिस इज ओनली वन क्वेश्चन, यहाँ पर केवल ये एक क्वेश्चन है, बट देयर आर फोर पॉइंट्स, लेकिन इसके फोर पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट के लिए आपको डैश लगा करके नंबर वन और नंबर टू लिखना है। यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक एंड इन ए गुड हैंड राइटिंग एंड आल्सो ट्राई टू लर्न देम, और उनको लर्न करने की भी कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इज दिस लेसन, हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन का अगला पार्ट इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख। अभी हम लोग उन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं जो पुरानी चीजें हैं, जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है, जिनसे हमें हिस्ट्री का पता चलता है, जो उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं हिस्ट्री के, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने पहला सोर्स पढ़ा आर्कियोलॉजिकल मोनामेंट्स, सेकंड हमने पढ़ा स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, अब अगला जो सोर्स है आर्कियोलॉजिकल वो है इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख, इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू एंड बाय।